फरुखाबाद से बड़ी खबर, शमशाबाद निकाय चुनाव की डिक्लेयर। फरुखाबाद से बड़ी खबर, शमशाबाद निकाय चुनाव के डिक्लेयर 20 तारीख तक का इंतजार कर रहे प्रत्याशी और दमदार इसे कर रहे अपनी अपने दावेदारी। एक तरफ सपा के कद्दावर नेता जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुशहाल मियां बता रहे हैं कि मैं नेता नहीं बेटा हूं और बेटा बनकर अपनी जनता की सेवा करूंगा। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से संभावित प्रत्याशी दुबे जी वो भी कह रहे हैं कि जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है, देखते हैं धमा चौकड़ी में पार्टी किसको अपना अपना सिंबल देगी, कौन निर्दलीय आएगा। आप सर्वे के लिए बन रहे रहिए हमारे साथ। जब प्रत्याशियों के बीच पहुंचकर टीटीएन 24 न्यूज की टीम ने जानकारी ली तो देखिए क्या बोले प्रत्याशी। क्या नाम बता दो आपको? राजीव दुबे। राजीव दुबे जी, किस पार्टी से चुनाव ले रहे हैं? हम बहुजन समाज पार्टी से लड़ना चाहते हैं। कब से काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए? बहुजन समाज पार्टी में लगभग हमें 8-9 महीने हो गए, अप्रैल से जुड़े हुए। कोई पदवी लिया होगा? जिला कोषाध्यक्ष का पद है ये हमारे पास। इससे पहले आप किस पार्टी में काम करते थे? हम इससे पहले राजनीति में आए ही नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद क्या सीखने को मिला जो आपने एकदम ताल ठोक दी? बहुजन समाज पार्टी की सबसे अच्छी बात हमें ये लगी, ये किसी वर्ग विशेष जाति विशेष की पार्टी नहीं है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर समाज को बराबर का अधिकार। निकाय में आप दावेदारी भी कर रहे हैं? दावेदारी से बहुत अच्छा नहीं लगता है। जनपद में 9 निकाय हैं जिसमें शमशाबाद बहुत पुराना निकाय है, 1928 से लगातार यहाँ चेयरमैन हो रहा है। मैं यहाँ चेयरमैन रहा भी हूँ, मेरे पिताजी भी चेयरमैन रहे, मेरे ताऊ भी चेयरमैन रहे, तो इस क्रम में अब आगे भी पार्टी हमको यहाँ जिम्मेदारी देगी तो हम पूरा जनता की सेवा करने के लिए, नगर का विकास करने के लिए हम तैयार हैं। शमशाबाद में जो है ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जो आप इसको पूरा करेंगे? हमें ये लगा कि मनोवाद बढ़ रहा है, सामंतवाद बढ़ रहा है। देखिए मेरे भाई, आप सब जानते हैं हम नेता नहीं हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर कहीं गड्ढा हो, बहुत बड़ा करप्शन का, और आगे भी मूड बनाए हुए हैं करप्शन का, जो गरीब पात्र हैं उन्हें कॉलोनियां हम देंगे, और जिनसे पैसे लिए रहे हैं। अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो क्या इन लोगों की जांच कराएंगे? बिल्कुल 101% सामंतवाद मनोवाद के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बिना डर बिना झिझक के लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है, हम किसी भी ताकत से डरते नहीं हैं।